बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चीत दे, भजो राज श्यामा श्री प्राण नाथ, सखी जीवन हमारा ए, सखी जीवन हमारा। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा काब खर, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। धामधनी अक्षरातीत इबितक साहेब के घटनाक्रम का वर्णन करवा रहे हैं। कल के घटनाक्रम को जोड़ते हुए हमने तीसरे पहर और चौथे पहर दोनों पहर की लीला, और इस लीला में जिस जिस सुंदर साथ ने दिल में अतूट निष्ठा, अतूट श्रद्धा और अनंत प्रेम भरकर श्री जी की अक्षरातीत के स्वरूप में पहचान कर कैसे रिझाया, ये सुंदर साथ इत भी दंदन हुए और उत भी तो दंदन है ही। ये मोमिनों ने यहां चल के दिखाया परमधाम की राह पर, और पिछले सुंदर साथ के लिए एक प्रेरणा स्तोत्र बने, और उसके बाद जब हम पांचवें पहर और पांचवें पहर में संध्या काल के पश्चात 6 से 9 बजे तक वो समय में सुंदर साथ ने धामधनी की कैसे प्रेम भाव से सेवा की और रिझाया, और आगे वही पहर में हम आगे बढ़े तो कहाँ कहो इन समय की, जहाँ राज बिराजे तखत, आई जी मोरछल करत है सो कहियो न जाए बखत। इससे अगले की चौपाई हमने दोहराई थी कि जब महाराजा छत्रसाल जी के महल से भी कलंगी तथा हार श्री जी की सेवा में आते थे, लेकिन महाराज जी ने, छत्रसाल महाराज जी ने धामधनी की पहचान कर ली थी, तो दिल में इतना अनंत प्रेम था धनी के प्रति, तो कई बार वो अपने हाथों से भी कलंगी बना के लाते थे और अपने महल से भी आती थी, और
छत्रसाल जी महाराज और भी सुंदर साथ किस राज्य को श्रृंगार कराते हैं, ये हमने कल की चर्चा में देखा। और आज यहां तेज कुरी जी की माताजी आईजी कहा गया, कल भी हमने चर्चा में सुना था। वो आईजी जब धाम धनी तख्त पर विराजमान होते हैं, तब आईजी आती है तेज कुरी जी की माताजी और श्री जी को मोर्छल करती है। तो यहां महामती जी अपने स्वरों में कह रहे हैं कि उस लीला का, उसी समय की शोभा का मैं इस झूठी जुबान से कैसे वर्णन करूं, इस मुख से ये वर्णन हो ही नहीं पाता। और आगे महाराजा छत्रसाल जी भी मोर्चल लिए खड़े होते हैं और दोनों ओर शेख बलल जी लाल खा भी मोर्चल को घुमाते हैं। ये सब सुंदर साथ की रोज की ये सेवा रहती है। और आगे कभी कभी लालदासी और केशवदासी के दिल में धाम धनी प्रेरणा करते हैं, क्योंकि कहलावत करावत तुम मूल स्वरूप की प्रेरणा होती है। और फिर जवाब देने वाले भी सामने धाम धनी तो है, क्या प्रेरणा होती है दोनों के दिल में। और पीठ पीछे खड़े होकर धाम धनी को प्रार्थना करते हैं, धाम धनी हमको कुरान हदीस पढ़ने की बहुत इच्छा हो रही है। तब धामधनी स्वीकृति भी देते हैं। और चितवनी के समय वाणी गायन करने वाली भी बारी सुंदर साथी आती रहती है और भोग भी अर्पित करते हैं। इसी समय जब बारी अपना वाणी गायन करती है और इसी समय भोग भी अर्पित किया जाता है, तो उस समय क्या होता है, सुंदर साथ जी संज्ञा को अवसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संज्ञा को अवसर। वो संज्ञा को अवसर राज श्यामा जी बैठे श्रृंगार कर, मीनो मीने श्रृंगार करावे, एक दूजी के आगे धावे, उछरंगती आरे आगे आवे, राज श्यामा जी के पाऊं लागे, पाऊं लाग के पीछे फिरे, खेल चित चाहिया त्यो करे। क्या बताया धाम धनी ने, वो संज्ञा को अवसर, संज्ञा के समय राज श्यामा जी बैठे श्रृंगार कर, यहां परम धाम की लीला का वर्णन किया गया है। मैंने कल भी बताया था, परसों भी बताया था कि जब 5:15 बजते हैं तो एक घड़ी 22:30 में जीर्णा होता है और एक घड़ी 22:30 में श्रृंगार होता है। तो यहां क्या बताया, परमधाम की लीला को याद करते हुए कि राज श्यामा जी बैठे श्रृंगार कर, फिर सखिया भी मीनो मीने श्रृंगार करावे और एक दूजी के आगे धावे, अरस परस एक सखी दूसरी को, दूसरी तीसरी को, तीसरी चौथी को, ऐसे आपस में एक दूसरे को श्रृंगार कराते हैं। उछरंग त्यारे आगे आवे, अंदर इतना आनंद भरा हुआ है सखियों के दिल में, इतनी प्रफुल्लित है। और आके सीधी राज श्यामा जी के चरणों में प्रणाम करती है। सुंदरसा जी परमधाम में कोई ऐसा नहीं होता कि वहाँ बार बार श्री जी के चरणों में झुक कर प्रणाम करना होता है। बस ये महामती जी ने एक भाव दिखाया, ये संसार की लीला को लेकर
यहाँ लीला बता रहे हैं ना, तो परमधाम की लीला को लेकर यहाँ के भावों के अनुसार बताया कि वहाँ बार बार सखिया प्रणाम करती है और प्रणाम करके जब पीछे फिरे फिर क्या करती है कि चित्त के अंदर जो भी लीला करने की इच्छा होती है, मन चाहिया, सब सखिया अपने अपने ग्रुप में कोई अपना जूथ बनाकर, मान लो कि सात वनों के अंदर है आगे का, या कुंज निकुंज वनों के अंदर है, या वन की नहरों के अंदर है, या पुखराज पहाड़ की ओर है, या माणिक पहाड़ की हद में बड़ो वन, मधुवन और महावन आया है उधर की ओर है, तो वहाँ ऊपर पूरे जो पेड़ के पूरा वन बनाए हुए हैं, वृक्ष के जो घने वन है, ये वनों की ऊपर की डालियाँ एक एक फ्लोर, एक एक माल, मंजिल जैसे बनती जाती है, तो ऐसे कई भूम ऊंचे है ये, और एक एक भूम में कई प्रकार के पशु पक्षियां रात दिन धाम धनी के जिक्र गुणगान गाते हैं, वो कभी तृप्त ही नहीं होते। और इतना नहीं, ये डालियां जब एक दूसरे के पेड़ से जुल मिल गई है, एक दूसरे के पेड़ से वो स्पर्श करती है और ऊपर पूरा चंद्रमा का रूप ले लिया है और नीचे सखियों के, कौन सखिया है, हम सब सखिया पूरे ग्रुप में 40 जूथ, एक एक जूथ में 300-300 सखिया कैसे बैठकर प्रेम विलास की लीला करती थी, राज्य के साथ कई बार मीठी मीठी बातें करती थी। ऐसा नहीं, हम सखियां भी आपस में बातें करती थी, कई बार दौड़ की रामत एक सखी दूसरी के, दूसरी सखी के पल्लू पकड़कर साड़ी खींचती थी, पल्लू पकड़ती थी। और इतना नहीं, कई बार जमुना जी की ओर हम चले जाते थे तो जमुना जी में कोई सखिया उधर की ओर केल पुल की ओर, कोई सखिया बटपुल की ओर, जो पांच भूम का हमारा केल पुल और बटपुल दोनों की पांच भूम की मंजिल है, वहाँ भी सखिया जब बाहर जो छज्जे निकले हैं वहाँ अपना पैर नीचे टांग कर जमुना जी की ओर कैसे लीला हम करते थे। इस सुख को याद करो, इस सुख कहाँ गए। और कई बार सखियों के मन में इच्छा होती थी कि चलो दूसरी सखी को खींच कर हम नीचे जमुना जी में छलांग लगाए, तो सब एक सखी दूसरे को खींचती के सीधी जमुना जी में छलांग लगाती थी, तो वैसे बहुत सी सखियाँ वैसे जमुना जी में छलांग लगा के अंदर फिर हम जमुना जी में जल कीड़ा जल स्नान करती थी और अंदर राज्य भी हमारे साथ कैसी प्रेममय लीला करते थे। वैसे अनेक प्रकार की लीलाएं परमधाम के अनेक पक्षों में हुआ करती थी। और आगे धामधनी ने बताया कि पूरा सागर प्रेम चलावती, सब संयों को भी पिलावती, पियाजी कहे इंद्रावती, तेज तारतम ज्योत करावती, या सो महामती प्रेम ले तोलती, 300 धाम दरवाजा कोलती, सैया जाने धाम में बैठिया, ये तो घर ही में जाग के बैठिया। धामधनी ने वो संज्ञा को अवसर, आपने अभी क्या सुना चौपाई में, तो इतना बताया कि उसी समय संज्ञा को अवसर गाया जाता था, तो धामधनी ने अभी वर्णन करके भी सुनाया कि संज्ञा के अवसर में क्या क्या लीला होती थी। अंतिम हमने दो चौपाई बोली कि पूर्व सागर प्रेम सागर पूर्व चला होती, इतना प्रेम अंदर भरा हुआ है कि लगता है जानो पूर्व चल रहा है प्रेम का, इतना तेज बहाव प्रेम का चल रहा है
सब संयों को भी पिलावती। कौन? इंद्रावती महामती पियाजी कहे इंद्रावती तेज तातम ज्योत करावती। और यासो महामती प्रेम ले तोलती। सुंदरसा जी परम धाम के अंदर जब हम पहुंचेंगे, पहुंचेंगे मतलब ऐसे नहीं कि यहां से हमारा तन छूटेगा और आत्मा जब परातम का श्रृंगार कर हद ब्रह्मांड को छोड़कर बेहद को छोड़कर परम धाम मूल मिलावे में या धाम दरवाजे पहुंचेगी तो वहां कोई रोक लेंगे कि अरे तुम यहां रुक जाओ, ऐसा नहीं। हमारा हर कदम पर, हमारे हर कदम पर हमारी प्रेम की परीक्षा हो रही है कि हमारे अंदर कितना प्रेम है, कितना इश्क है, ये तोला जा रहा है। क्योंकि हमने इश्क के तो विवाद किए थे, बड़े बड़े दावे किए थे, तो हमको कैसे तोला जाएगा? यासो महामती प्रेम ले तोलती, प्रेम से तोला जाएगा। हाँ, इससे पहले हमारे अंदर क्या निधि, क्या गुण होना चाहिए? निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, त्याग, बलिदान, शील, संतोष, त्याग, ये सब हमारे अंदर गुण तो है, लेकिन उसी के सिरे सब श्रृंगार को शोभा देवे ये प्रेम। जब तक हम का प्रेम रूपी कारी कामरी धारण नहीं करेंगे तब तक हमारा कोई काम नहीं बनेगा। यहाँ क्या बताया? यासो महामती प्रेम ले तोलती, वहां प्रेम से तोला जाएगा, उसी के बिना धाम दरवाजा नहीं खुलेगा। वो दरवाजा नहीं जो दो भूम ऊंचा है, वो तो वहां जाके खुला ही है, लेकिन ये दिल रूपी धाम दरवाजा की बात की है। और अब हमने दो दिन पहले भी चौपाई बोली थी, अब हुक्मे द्वारा खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म, मोमिन दिल आए के अर्श कर बैठे खसम। धाम धनी ने हमारे लिए जो प्रेम का दरवाजा खोल दिया है, क्या? खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार की वाणी देके, तो वो वाणी के अंदर डूब कर हम कैसे राज्जी युगल स्वरूप के अंदर एक रस हो जाते, डूब जाते और हमारी आत्मा की चक्षु खुल जाती और हमारे धाम दिल में, आत्मा के धाम दिल में ये युगल स्वरूप अखंड हो जाए। यासो महामती प्रेम ले तोलती, 300 धाम दरवाजा खोलती, सैया जाने धाम में पेठिया। धाम में पेठिया मतलब तब हम मूल मिला में जाके परातम में खड़े होंगे और सामने ही जैसे ही हमारा, हमारी आत्मा यहाँ जागृत हो जाएगी तो मूल मिला में परातम भी जागृत हो जाएगा। तो राजी श्यामा जी तो कहीं गए ही नहीं, सामने तो मध्य में तो युगल स्वरूप बैठे ही है, तो सीधे ही हमारी दृष्टि कहाँ जाएगी? युगल स्वरूप पर। सैया जाने धाम में बैठिया, ये तो घर ही में जाग के बैठिया, हम सीधे ही मूल मिलावे में परातम तन में जागृत हो जाएंगे। तो यहां संज्ञा को अवसर, वह प्रहर रात्रि तक चलता रहता है। कहां तक? 6 से 9 बजे तक संध्या का अवसर गाया जाता है, वो संज्ञा को अवसर हमने अभी सुना। और आगे इसी समय मानबाई आती है और श्री जी के चरणों में प्रार्थना करती है कि हे धामधनी, आप ऐसे करो युगल स्वरूप के, देखो पहले संज्ञा को अवसर, अब मानबाई ने क्या बोला, मनाबाई ने क्या बोला? मनाबाई कहती है कि हे धामधनी, अब ऐसे करो युगल स्वरूप के वस्त्र का वर्णन, उस शोभा का वर्णन करके सुनाइए, क्योंकि आपने जब
युगल स्वरूप की शोभा का वर्णन किया ने, तब तक मैं सेवा में लगी थी, उसी समय मैं नहीं थी। मनाबाई ने क्या बोला, मैं नहीं थी तो धनी आप ऐसे करो, कृपा करो मेरे पर और सुनाने का कष्ट करे। तब श्री जी आप ध्यान से सुनिए, युगल स्वरूप के वस्त्र की शोभा का वर्णन करते हैं। पहले यहां श्यामा जी के वस्त्र की शोभा का वर्णन किया गया है। श्री श्यामा जी ने सेंदुरिया रंग की साड़ी, श्याम रंग की कंचू की और नीली लाही को चरणिया पहना है। तो हे सुंदर सा जी, आप अपनी सुरता को मूल मिलावे में लेकर जाइए और हमारी श्यामा जी ने जो वस्त्र धारण किए हैं, सेंदुरिया रंग की साड़ी कैसी ट्रांसपेरेंट है, उसके पीछे से अपनी जो चोटी गुथी हुई है, चोटी के नीचे तीन जो फूंदन है और ब्लाउज जो श्याम रंग की कंचू की पहनी हुई है और उसका बंद जो पीछे है, ये बंद ऊपर चोटी है और चोटी में तीन फूंदन नीचे लटक रहे हैं और उस पर साड़ी है, लेकिन साड़ी के अंदर से कैसे श्यामा जी की पीठ की सुंदरता, नूरी सुंदरता दिखाई दे रही है। हे सुंदर साजी, आप अपनी आत्मिक दृष्टि को मूल मिलावे में ले चलिए और नीली लाही को चरणिया पहना है। और आगे राज्जी का वर्णन करते हैं कि राज्जी ने कैसा वस्त्र धारण किया है। श्री राज्जी ने सुफेद रंग का जामा, केसरी रंग की इजार, नीलो न पीलो बीच के रंग को पटुका, सेंदुरिया रंग की पाग और आसमानी रंग की पिछोरी धारण की है। और राजी श्यामा जी युगल स्वरूप के वस्त्रों के अंदर वेल, फूल, बुट्टे की नक्शीकारी, चित्रकारी की हुई है, उसमें कई प्रकार के नंगो जड़ित किए हुए हैं और सोने के तारों से भी कसीदाकारी भी की है। हे सुंदर साजी, इन वस्त्रों की शोभा को आप आत्मिक दृष्टि से निहारिए और आगे नवरंग भाई का भी वर्णन कहा किया गया है कि नवरंग भाई ने कैसे वस्त्र धारण किए है कि आज नवरंग भाई की कब, जब हम खेल में आए, जब हम खेल में आए शाम के 4:30 बजे, वहां तो अभी पल भी नहीं बीती है, यहाँ के व्रज रास जागनी के या छठे दिन में ये अंतिम जो लीला चल रही है, हम जब आए ने उसी दिन नवरंग बाई की नीरत की बारी थी, तो नवरंग बाई ने श्याम रंग की साड़ी पहनी है और पीले रंग की कंचू की पहनी हुई है, आम, एक आम के जैसी, और पांचों रंगों की पट्टी वाले चरणिया पेटी कोट पहना हुआ है। ये नवरंग भाई, वैसे तो हमारे 40 जूथ है, एक एक जूथ में मैंने अभी बताया 300-300 सखियां है, तो एक एक सखी की रोज नीरत की बारी रहती थी, लेकिन हम जब आए ने उसी दिन नवरंग भाई की बारी थी, तो यहाँ नवरंग भाई का वर्णन किया गया। और आगे नवरंग भाई ने नीले रंग की जो इजार पहन रखी है और नृत्य के समय नवरंग बाई के वस्त्रों की इस प्रकार की शोभा है कि इस शोभा का कैसे वर्णन करे इस संसार में। हमारी सब सखिया की शोभा का जो वर्णन है, हम सब सखिया की जो शोभा है वैसी श्यामा जी की है। मान लो श्यामा जी की शोभा देख ली तो वैसी हमारी सब सखिया की है, बीच में कोई तफावत नहीं है, कोई अंतर नहीं है। श्री जी जब वस्त्रों की शोभा का
यहाँ वर्णन करने वाले स्वयं राज्य है और वर्णन हो रहा है वो भी राज्य का हो रहा है, श्यामा जी का हो रहा है, और यहाँ नवरंग बाई का भी वर्णन श्री जी के मुख से हमने सुना। और प्रातः और साई शाम को दोनों समय श्री जी वर्णन करते थे और सुंदर साथ इतनी निष्ठा भाव से सुनते थे और एकाग्र चित से श्रवण करते थे। और आगे बताया कि स्वरूप दाता ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड में स्वरूप की पहचान करने वाले मात्र दो तीन व्यक्ति हुए हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में लिखा हुआ है। उसमें कौन है? मान लो नारद, नारद मुनि है, आदि ऋषियों ने भी वर्णन किया है। लेकिन सुंदर सा जी एक बात रखो, तो मैं आज कितने दिनों से आपको बता रही हूं कि नारायण से आगे इस संसार में किसी ने वर्णन नहीं किया। हां, जो अक्षर ब्रह्म की आत्माओं ने बेहद का वर्णन किया, ये पांच जो रत्न है, मैंने एक दिन बताए थे कि सुखदेव, शनकादिक, कबीर, शिव और महाविष्णु, उसने थोड़ा बेहद का वर्णन किया है, बाकी तो कोई नारायण से आगे नहीं जा पाए। और आगे धामधनिया क्या बता रहे कि हे सुंदर साथ जी, यहाँ जिस शोभा का वर्णन किया जा रहा है वो तो परम धाम के अक्षरातीत की शोभा का वर्णन किया जा रहा है, ये कोई संसार की शोभा का नहीं कि यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कैसी शोभा है और नारायण की कैसी है, उससे पर अक्षर भी नहीं, यहाँ तो अक्षरातीत की शोभा का वर्णन। तो ब्रह्म मुनि तो अपने प्रियतम प्राणनाथ का वर्णन हो रहा है तो एकाग्र चित से निष्ठा से सुनेगी ही सुनेगी। लेकिन जो कोई माया के जीव होगे, लेकिन कोई माया के जीव होगे, ये कदाच ब्रह्म सृष्टियों के समूह में, जमात में आके बैठ तो जाता है लेकिन वो सुन नहीं पाता, उसी के कान में ये सामर्थ्य नहीं है, वो आ जाता है फिर चला जाता है। और धाम धनी की वाणी सुनने की ताकत तो एक ब्रह्मात्माओं के अंदर है, क्योंकि ब्रह्मात्माओं की मूल निस्बत धाम धनी के साथ है। बिना निस्बत से कोई ऐसे निष्ठाबंध तारतम वाणी सुन ही नहीं सकते। हमने कितनी बार सुन लिया कि चर्चा में सोई आवत है जाके धनिए पकड़े हाथ। वैसे तो मूल में देखे ना सुंदर साची, तो ये सब कुछ कराने वाले राज्य है। धाम धनी ने तारतम वाणी भी यहाँ भेजी, मतलब तारतम वाणी भेजने वाले भी राज्य है, इस मोह सागर में भेजने वाले भी राज्य है, इस मोह सागर से हमारे हाथों को पकड़कर निकालने वाले भी राज्य है, और वाणी के साथ जुड़ने वाले भी राज्य है। उसके हुक्म बिना हमारा कुछ बस चलता नहीं। या पूरे संसार में अक्षरातीत का हुक्म का ही पसारा है, हुक्म ही फैला हुआ है। हम तो आज हुकम के हक के हाथ हुकम, इत हमारा पिया जी क्या चले, जो जानो त्यो करो खसम। यहां से आगे धामधनी की आरती होती है। क्या होता है आरती? तो आरती के समय कौन कौन सुंदर साथ सेवा में हाजिर रहते हैं, ये धामधनी आगे बताते हैं। जब श्री जी की आरती का समय, क्योंकि संध्या समय के पश्चात श्री जी की आरती होती है, तो उसी समय चारों ओर से सुंदर साथ श्री जी की आरती के लिए आ जाते हैं। और बंगला जी दरबार की शोभा तो उसी समय पूरी निराली है, ऐसी अनुपम है। चारों ओर बंगला जी में सुंदर साथ बैठे हुए हैं। यहाँ धामधनी ने बताया कि ये वर्णन कैसे कर पाए। इसी समय बाई जी भी श्री जी की, श्री जी के पास आ जाती है और श्री जी के तख्त के पास में
तख्त पर बिछोने बिछाए जाते हैं और बिहारी दासी विशेष रूप से गादी बिछाने की सेवा करते हैं। और शिव जी की जब आनंद पूर्वक आरती उतारी जाती, उसी के माध्यम से क्या होता है कि सुंदर सात धनी के प्रति अपना बहुत गहन प्रेम भर लेते, क्योंकि कि मेरे अक्षरातीत की महिमा संसार में फैले, मेरे अक्षरातीत का संदेश पूरे संसार में फैले, यही मानकर वो स्तुति करते हैं। उसी समय दगड़ा और दत्ता, दगड़ा भी जांझ और ताल को थैली में अंदर रखते हैं, क्योंकि आरती के समय में वो ले आते हैं। और भाखरिया भाई है एक सुंदर साथ, वो ऐसे ही जैसे आरती शुरू होती है तो नाचने लगते हैं। श्री जी के दोनों ओर चंवर भी डुलाने के लिए सुंदर साथ खड़े हो जाते हैं और लाल भाई आकर पहले खड़ी हो जाती है। उससे पहले गोविंददास जी भी अपनी सेवा में तत्पर रहते हैं। कुछ दिनों तक हरिनंदन ने चंवर डुलाने की सेवा की, उसी के बाद शेख बदल और लाल खान ने भी सेवा की। वैसे बहुत से सुंदर साथ ये सेवा में हाजी देते हैं। और मुकुंददास जी की विशेष सेवा क्या है सुंदर साथ जी? मुकुंददास जी की वो स्वयं आरती गाते हैं और सुंदर साथ से गवाते भी है। ये मुकुंददास जी की उत्तम सेवा है। और आरती के पहले ही निश्चित समय पर वहाँ के खड़े रह जाते और प्रतिदिन रोज ही उसकी ये सेवा रहती है। और उसी समय बिंदा कन्नड़ गंगाराम अत्यधिक अंदर इतना प्रेम भरकर अगरदास और बद्रीदास भी आनंद पूर्वक ये सेवा करते हैं। और आगे कभी उत्तम दास भी आ जाते हैं और वो मृदंग बजाते हैं। उत्तम दास कौन है सुंदर साथ जी? जब हम औरंगाबाद में पहुंचे तब वहां पांच पठानों में जहान मोहम्मद लालदासी और उत्तम दासी ने जब परमधाम के युगल स्वरूप का वर्णन कर दिया तब जहान मोहम्मद वहां से निकल गया और चर्चा के लिए दूसरे दिन नहीं आया। तब उत्तम दासी ने क्या कहा कि धनी आप ही आज्ञा हो तो मैं बुला के लाऊं। वही उत्तम दास आ जाते हैं और मृदंग बजाते हैं। वैसे सब सुंदर साथ वहां सेवा में रहते हैं और गायन भी वहां चलते रहते हैं। उसमें परमानंद जी पूर्ण रूप से आरती गाने में खड़े हो जाते हैं और आरती की धुन सुनकर, आरती की धुन सुनकर, आवाज सुनकर आसपास में जो कलयुग रूपी दज्जाल है, ये कौन है कलयुग रूपी दज्जाल? मानव मन में बैठा हुआ अज्ञान वो कांपने लगता है, क्योंकि वो सोचता है कि हमारा बस यहाँ चलेगा नहीं। तो सुंदर साथ जी, क्योंकि किसी किसी के दिल में ये अज्ञान रूपी राक्षस भी बैठ जाता है। और मेघा बाई बाई जी के कदमों में गादी बिछाती है, क्योंकि मेघा बाई के दिल की इच्छा है कि चलो अभी बाई जी भी आरती उतारने के लिए खड़ी हुई तो मैं जो गादी बिछाऊं ने उसी पर ही बाई जी महारानी खड़ी होकर वहां से आरती उतारे। तो उसी समय वो गादी बिछाती है। आरती के समय चादर बिछाने की सेवा हीरामन भाई की है और अन्य सखिया भी सेवा के लिए हाजिर हो जाते हैं। और बाई जी धामधनी के माथे पर तिलक भी उसी समय लगाती है तथा चावल भी अर्पित करती है। और इसी समय यहाँ आकर जब बाई जी सबसे पहले आनंद पूर्वक श्री जी की आरती उतारती है और रुक्मणी बाई भी आरती के साथ सेवा में जो जो सामग्री की जरूरत है वो दे दिया करती है बीच बीच में।
दे देती है। और आगे आरती कैसी है सुंदर साची, यहाँ बताया कि रूपे पच घड़ी आरती गिरद दीपक ज्योत बत्तीस करे फिरते प्रकाश चौदीस सेवत मन प्रतीत। आरती चांदी की बनी हुई आज भी बंगला जी में है। आरती किसकी बनी हुई है, चांदी की बनी हुई है और पांच खंड है, पांच मंजिला वाली आरती है और आरती के अंदर 32 दीपक है। आज भी आप वहां देखेंगे तो ये आरती आपको दिखने को मिलेगी और उसकी ज्योति पूरे बंगला जी में फैल रही है। उसी समय सुंदर साथ अपने दिल में अतुट निष्ठा और श्रद्धा रखकर ये सब आरती की सेवा करते हैं। तो यहां पांच मंजिल मतलब पांचों स्वरूप अद्वैत में, पांचों स्वरूप अद्वैत में एक रूप, कौन कौन, राजजी श्यामाजी सखिया अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी, ये पांचों स्वरूप अद्वैत में। तो यहां पांच मंजिल वाली बताई और 32 दीपक। तो हमारा जब हम भेद भूमिका से आगे आएंगे सत्स्वरूप से, तो हमारा जब परम धाम की हद शुरू होती है तो बाहर की ओर 32 हांस आता है। तो परम धाम का ये 32 हांस, यहां 32 दीपक वाली आरती भी जलाई जाती है और आगे ये परम धाम के 32 हांसों का भाव लिया गया है। और आगे आरती करने के समय लच्छोबाई आती है और दीपक में ज्योति प्रज्वलित करने की वो सेवा करती है और अंबोबाई दूसरी तरफ सेवा में रहती है और कई कुंवारी कन्याएं, कई कुंवारी बालिकाएं भी दीपक की थाली लिए हुए आरती करने के लिए तैयार हो जाती है। और ये दीपक की ज्योति चारों ओर इतनी जलकार कर रही है। और सुंदर साथ पहले बाई जी खड़ी है और सुंदर साथ उसके पीछे खड़े होकर श्री जी की आरती उतारते हैं, क्योंकि सुंदर साथ जी सब सुंदर साथ ने श्री जी को स्वयं धाम के धनी अक्षरातीत के स्वरूप में पहचान कर ली थी। तो वहां श्री जी की आरती उतरती थी संध्या के समय, श्री जी की परम धाम के भावों को लेकर यहाँ श्री जी को सिंहासन पर बैठाया जाता था और सब सुंदर साथ श्री जी की आरती उतारते थे और आगे बाजूरा जी खड़ी रहती थी और सोने के थाल में, देखो ये आरती चांदी की है लेकिन नीचे का जो थाल है ने वो सोने का थाल है, उसमें आरती सजाई गई है जिसमें दीपकों की ज्योति चारों ओर प्रज्वलित हो रही है। और बाजूराज जी भी अपने अंदर इतना आनंद भरकर लेकर आरती कर रही है। आरती क्या है ये आगे धाम धनी बता रहे हैं। कंचन हम उतारते हैं ने, वो दो दिन पहले वो पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे हमने क्या सुना था, चोपड़े की हवेली में, कहाँ सुना था, चोपड़े की हवेली में, जब छत्रसाल जी के नाम पर ये पद है उसने सुनाया था। और उसी के बाद हम आरती उतारते हैं। कंचन थाल चहु मुख दीवला दीपक ज्योत प्रकाश करत आरती जियावर रानी आनंद अंग उलास जुगल स्वरूप सुंदर सुख दायक श्याम दाम धनी सोए मांगल रसिक वदन की शोभा निरख तामन मोहे सखिया निरत करे और गावे आनंद अखंड पार ताल मृदा गजंजर जन
तर बाजे सखिया बोले जय जय कार बधावे मुक्ता फल सखिया श्री जियावर श्याम सुहागी तन मन जीवन उछा वर कीनो तन मन जीवन्यो छावर कीनो श्री इंद्रावती चरणों लागी श्री महामती चरणों लागी। अभी हमने पूरी आरती गाई, ठीक है। ये कंचन थाल चहुमुख देवला, सोने के थाल में जो आरती सजाई गई है, अभी हमने वर्णन भी सुना, और चारों ओर दीपक की रोशनी जलकार कर रही है, और हमारे प्रियतम अक्षरातीत की अर्धांगिनी, हम सब अर्धांगिनी है, लेकिन यहाँ बायजू राज्य भी अपने हृदय में अनंत आनंद और उल्लास भर लेकर आरती कर रही है। और दूसरी चौपाई में बताया कि जुगल स्वरूप सुंदर सुखदायक श्री महामती जी के धाम हृदय में कौन बैठे हैं सुंदर साजी, कौन विराजमान है, युगल स्वरूप और अखंड सुख देने वाले भी कौन है, यही युगल स्वरूप है। और धाम धनी श्री राजी श्री प्राणना जी के स्वरूप में भी शोभायमान भी बंगला जी में कौन हो रहे, ये भी युगल स्वरूप स्वयं श्री राजी। तो ऐसे श्री जी की प्रेममय और मंगलमय, ऐसे श्री जी की प्रेममय और मंगलमय शोभा को देखकर सुंदर साथ अंदर से खुश हो जाते, मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। और आगे बताया कि सखिया नीरत करे और गावे, सुंदर साथ धनी के प्रेम में इतने डूब गए बंगला जी दरबार में, वो नीरत करे प्रेम के अंदर डूब कर, पूरे प्रेम अंदर दिल में भर कर नीरत कर रहे, और उनकी महिमा का, किसकी, धाम धनी की महिमा का गायन कर रहे हैं। क्योंकि वो गायन किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि धाम धनी प्रियतम अक्षरातीत का आनंद अखंड है, अनंत है, और वहां ताल मृदंग जांज और तार से बने हुए तंबूर भी आदि बाजे भी वहां बज रहे। तो ये और सुंदर साज जो बंगला जी में भरे हुए है, वहां प्राणना जी की जय जयकार हो रही है। और आगे बधावे मुक्ताबल सखिया श्री जियावर श्याम सुहागी, प्रियतम अक्षरातीत धाम के धनी श्री राज जी, उनकी अर्धांगिनी श्यामा जी के चरणों में सखिया क्या कर रही है, मोतियों को अर्पित कर रही है। और यहां मान लो कि ये राजी युगल स्वरूप बीच में बैठे हैं, और यहां पहले हमने देखा कि पहले बायजू राज जी एक गादी पर खड़े होकर उसने आरती उतारी, तब श्री जी वहां सिंहासन पर बैठे हैं, तो परम धाम का युगल स्वरूप का भाव लेकर आरती उतारी, ठीक है। फिर जिस तन में युगल स्वरूप विराजमान है, वो इंद्रावती ने क्या भाव लिया, अपनी आत्मा का क्या भाव लिया, कि मेरे धाम दिल में भी युगल स्वरूप विराजमान है, तो मेरे धाम दिल में बैठे हुए युगल स्वरूप की मैं भी स्वयं आरती उतारूं। ये सब सुंदर साथ ने तो बंगला जी में मेरी आरती उतारी, लेकिन इंद्रावती क्या सोच रही, कि मेरी आत्मा के प्राण प्रियतम कौन है, ये अक्षरातीत, तो मैं भी उनकी आरती उतारू। तो यहां बताया कि इंद्रावती चरणों लागी और श्री जी के आगे रुक्ष्मणी बाई भी थाल रखती है। अक्षरातीत श्री जी इस थाल में से अपनी मेहर कर स्वरूप का पानों का बीड़ा भी सबको
देते हैं, अपने हाथों से रखते हैं अंदर। और कल्याण और प्रहलाद भी, वो जो पानों का बीड़ा श्री जी ने ये थाल में रखा उसमें से प्रसादी के रूप में बांटने की कौन सेवा करते हैं? तो कल्याण जी और प्रहलाद जी करते हैं। इसी तरह बंगला जी में रोज आनंद की लीला होती है। इस समय की आरती जो होती है ने, उसका वर्णन तो इन मुख से क्या कह सकते हैं। अन्य लोग भी आते हैं और अखंड मुक्ति भी प्राप्त करते हैं आरती सुन के। और सूरजमन इस प्रकार से राग से आरती गाते हैं कि सबके दिलों में इतना भाव भर देते हैं कि सूरजमन के अंदर एक दर्द है। और जब सुन के सबके दिल पवित्र हो जाते हैं। और आगे श्री प्राणनाथ जी धाम के धनी पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत है, ऐसा भाव लेते हैं सुंदर साथ कि यही अक्षरातीत है, यही ईसा रूहल्ला है, यही हमारे मोहम्मद मेहंदी है, यही हमारे सब मनोरथ पूर्ण करेंगे, यही स्वरूप में सुंदर साथ ने पहचान कर ली है। इसी प्रकार से सब सुंदर साथ प्रेम में मग्न होकर आरती का गायन करते हैं। और इसी समय इतना बंगला जी में शोर रहता है, इतनी आवाज गुंजायमान होती है दरबार में, कहा बंगला जी दरबार में, कि कोई एक सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ से बातचीत करे तो एक दूसरे को आवाज भी सुनाई नहीं देती है। तो यहाँ क्या बताया धामधनी ने कि हे सुंदर साथ जी, वो सुख जो तुम 400 साल पहले आप ले रहे थे, उस सुख के समान इस ब्रह्मांड में कोई सुखी नहीं है, उस सुख के समान इस ब्रह्मांड में कोई सुखी नहीं है। उसी के बाद एक प्रहर, जब इतनी लीला हुई ने, तब एक प्रहर तक अर्थात रात्रि के 9 बजे तक, हमने 6 बजे से ये लीला प्रारंभ की थी तो रात्रि के 9 बज गए, तब तक धाम धनी को रिझाने की ये लीला चलती रहती है। सब सुंदर साथ अपनी सेवा करते रहते हैं। तो उसी समय जब श्री जी सिंहासन पर विराजमान थे, पास में ही बाईजूराज महारानी विराजमान हो गई, तो युगल स्वरूप जैसे परम धाम में मूल मिलावे में विराजमान है, वही शोभा यहाँ सब सुंदर साथ बंगला जी दरबार में युगल स्वरूप की अनुपम अवलौकिक शोभा को निहार रहे। और कैसी शोभा है, पूरी आनंद से परिपूर्ण इस स्वरूप की शोभा का महामती कह रही है कि कैसे इस जूठी जुबान से मैं वर्णन करूं। महामती कहे साथ जी, भैया चर्चा का बखत अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। हम रोज प्रारंभिक जो दो चौपाई बोलते ने, चर्चा प्रारंभ होते उसी के बाद हम जो चौपाई बोलते हैं कि महामती कहे ये साथ जी, भैया चर्चा का बखत अब 9 बजे से लेकर, मैंने कल भी चर्चा में बताया था कि रात्रि के 2 बज जाएंगे तब तक ये चर्चा चलती रहेगी, तभी भी सुंदर साथ आते रहेंगे, बुलाते रहेंगे। लेकिन श्री जी परम धाम के सुखों में ब्रह्म मुनियों को, सुंदर साथ को इतना डुबोया है कि श्री जी को इच्छा ही नहीं हो रही है अंदर से चर्चा छोड़ने की, बस सबको परमधाम के सुखों में बस डुबोते ही जा रहे हैं। तो यहाँ बताया कि महामती जी क्या कहते हैं कि साथ जी अब चर्चा का समय हो गया, 5वां पहर पूर्ण हुआ 6 से 9 बजे तक का, और 9 से 12 बजे तक चर्चा प्रारंभ होती है। तो यहाँ लालदासी श्री जी के तखत के सामने आकर विराजमान हो जाते हैं। और उसी समय क्या लीला होती है ये आगे
हमको धामधनी बताने जा रहे। छठा पहर, अब कहो पर छठे की जित चर्चा होते हक, बैठे सुनत जमात जो खास गिरो बुजरक। यहाँ महामती अपने स्वरों में कह रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, मैं आपको छठे पहर के रात्रि के 9 से 12 बजे के बीच में होने वाली लीला का मैं वर्णन कर रहा हूँ। इस पहर में स्वयं अक्षरातीत श्री जी चर्चा करने के लिए बैठते हैं, और वहाँ सुनने वाले कौन है तो धनी पर अतूट ईमान, धनी पर अतूट ईमान जो विश्वास है, बते ना कि आकिन ना छूटे सुहागनी, ऐसे मोमिन वहाँ चर्चा सुनने के लिए बैठते हैं। और इन ब्रह्म सृष्टियों की तो शोभा की तो बात ही क्या कहो, ऐसे एकाग्र चित से वो सुनने के लिए बैठ जाते हैं। और उसी समय कौन कौन सुंदर साथ आते हैं ये धामधनी आगे बता रहे कि सब सुंदर साथ बंगला जी दरबार में श्री जी के कोई सन्मुख बैठते हैं, कोई दाहिनी ओर, कोई बाएं ओर, कोई पीठ के पीछे, कोई आगे, कोई ऐसे पूरा बंगला जी दरबार भरा हुआ होता है। और केशवदासी उसी समय केशवदासी वाणी पढ़ते हैं। जो ये वाणी पढ़ी जाती है ना उसी समय, यहाँ महामती जी कहते हैं कि इस समय के सुख का तो हूँ वर्णन ही क्या करूँ। और आगे कुरान हदीस से पढ़ने के लिए भी लालदासी, देखो हम 2 दिन से सुनते आ रहे लालदासी केशवदासी रेवल पर हदीसा कुरान भागवत और कतेब के ग्रंथ और वेदों के ग्रंथ ये सब पधरा के। और ये कौन देते थे कलम ने देखा था, जयंती काका संदूक से निकाल कर ये धर्म ग्रंथों को देते थे। आज भी बताया कि यहाँ लालदासी कुरान अदिशा के लिए लालदासी बैठे, और धामधनी को सबके दिल में क्या भाव रहता है कि बस मैं धामधनी को ये वाणी गाकर रिझाऊं। और गोकुलदासी भी तभी वाणी पढ़ते हैं, बस वहाँ पूरी वाणी 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 ये पूरे बंगला जी दरबार में गुंजार हो रहा है। फिर मैंने कल बोला था कि श्री जी की चर्चा इतनी मीठी है क्योंकि धामधनी के दिल में प्रेम का गंजान गंज सागर उमड़ रहा है, उसकी जुबान मीठी प्रेम भरी, तो यहाँ धामधनी की चर्चा भी मीठी। और स्वलीला अद्वैत और अखंड ज्ञान की फिर चर्चा जब करते हैं प्राणनाथ जी अपनी मीठी वाणी से, तो उसी समय जो सुनने वाले सुंदर साथ है उसी के अंदर कोई संसार के विचार या कोई माया की इच्छा या तृष्णा रहती ही नहीं है। सुंदर साथ जी, इन प्रसंग से हम क्या सीख लेंगे कि चर्चा कहने का भाव, आज हमारे समाज में बहुत बड़े बड़े मंदिर कई स्थान बन गए, वहाँ नई चर्चा होती है, नहीं कोई चितवनी, नहीं कोई ज्ञान का प्रचार प्रसार, और सिर्फ सेवा पूजा माला परिक्रमा और बड़े बड़े भंडारे में शोभा यात्रा। आज सही में एक पीड़ा के साथ कहना पड़ता है कि उसी से क्या हमारी आत्मा की जागनी होगी। आज जो सुंदर साथ सुन रहे और कल जो सुंदर साथ सुनेंगे, आप ध्यान से इस बात को सुनना कि क्या इससे हमारी जागनी हो जाएगी, आखिर की निज बुद्धि की खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी उतरने के बाद उसमें डूबना चाहिए था, उसके बदले आज भी सुंदर साथ समाज को यही नर्सरी की क्लास जो आज से 25 साल पहले पढ़ाया जाता था ये पाठ, ये आज भी वही चल रहा है। और आज हम 2 दिन से सुनते आ रहे हैं कि धामधनी बस अखंड अद्वैत की चर्चा, और फिर देखो अभी आगे आएगा चर्चा की अर्चा, तो हमारे अंदर क्या रहनी होनी चाहिए।
बस सुंदर सा जी हम सत्य के साथ जुड़े, हम प्राणनाथ जी के साथ जुड़े, हम ये मिशन के साथ जुड़े, हम कोई स्थान विशेष, कोई गादी विशेष, कोई व्यक्ति विशेष ऐसे ना जुड़े, क्योंकि स्थान तो आज है कल हमारा तन छूट जाएगा, स्थान से हमारा संबंध छूट जाएगा। ये गद्दी पर बैठने से किसी के अंदर आवेश नहीं आ जाता, कोई वाणी नहीं कह सकता, ये तो धाम धनी की जिस पर कृपा होती है और जो कृपा होती उस दिल में भी धाम धनी के प्रति अपना अतूट प्रेम निष्ठा श्रद्धा समर्पण होता है, तब जाके कोई तारतम वाणी की चर्चा कर सकता है। दिल में कोई पीड़ा नहीं है, दिल में कोई दर्द नहीं है, तो कैसे गादी पर बैठने वाले तो बिहारी जी भी थे, तो सदगुरु तो चर्चा करते थे, क्यों बिहारी जी नहीं कर पाए? और श्री जी गादी पर नहीं बैठे, वो तो नगर नगर शहर शहर ग्राम ग्राम देश प्रदेश में घूमे, वाणी तो श्री जी के तन से उतरी। तो हम इस प्रसंग से ये सिख बोध ले ले कि सुंदर सात जी अभी हम कोई एक सीमित दायरे में के स्थान गादी के व्यक्ति विशेष ना जोड़ के सत्य परम सत्य से प्राणनाथ जी से युगल स्वरूप से और मिशन के प्रति हमारा क्या कर्तव्य बनता है, बस वो भाव दिल में लेके जागने के पथ पर आगे चले। बार बार बस यही चर्चा हो रही है, अखंड अद्वैत की चर्चा बस। और फिर आज धामधनी मुरलीधर दास भाई सामने चर्चा सुनने के लिए बैठते हैं, उसकी नैनों की पलके भी नहीं झपकती है और श्री जी की अमृतमय वाणी सुनने के लिए कितनी तलीनता से वो बैठते हैं। एक और महाराजा छत्रसाल जी, एक और देवकरण जी। कौन है देवकरण जी? छत्रसाल जी के भतीजे। देखो आगे उसकी भी सेवा और भी आएगी, तो ये चर्चा सुनने के लिए बैठते हैं। इसी के बाद दुर्ग भान जी और धामधनी की मेहर, जिन सुंदर सात पर मैंने अभी बताया कि चर्चा में सोई आवत है, जाके धनिए पकड़े हाथ। यहाँ चौपाई में भी यही बताया कि चर्चा में तो वो सुंदर सात बैठ सकते हैं कि जिन पर धनी की मेहर बरसती है पल पल, राज्य की वाणी का वरसाद होता है, उसी समय कौन बैठ सकते हैं? जिस पर धनी की दृष्टि पड़ी है वही सुंदर साथ बैठ सकते हैं। और फिर सब सुंदर साथ के नाम बताए हैं कि कौन कौन किशोरी सिंह जी आते हैं। देखो वो बंगला जी दरबार में झाड़ू लगाने की सेवा करते हैं, हमने देखा था, उसकी भी बहुत बड़ी सुंदर साथ की खाने पीने की भोजन प्रसाद की सेवा रही थी। देवकरण जी एक राज दरबार के व्यक्ति है, तो भी ये भी बंगला जी दरबार में एक धूल बनकर अपने को क्या माने, एक मिट्टी, सुंदर साथ की चरण धूली ये सुंदर साथ मानकर कैसे सेवा कर रहे, तो उन सुंदर साथ को देखकर हम भी सीख ले क्या ले। जिन दिन रहो साथ में तुम हो ही रहो रेणु समान, इत जागे को फल यही है तुम चेत लीजो चतुर सुजान। तो ये सब सुंदर साथ के नाम आते हैं, कितने सुंदर साथ चर्चा में बैठते हैं। और आगे बताया और साथी केती क आवे निष्ठा बंध, कोई आवे मर्जाद में कोई परवाह की सनंद। धामधनी ने बताया कि कितने प्रकार के लोग आते हैं और किस भाव से सुनते हैं, तो बताया कि कोई कुछ कुछ सुंदर साथ है वो पूरी निष्ठा बंध होकर चर्चा सुनने के लिए आते हैं, और कोई मर्यादा बद्ध भी सुनते, मर्यादा में बंद कर भी वो आते और चर्चा सुनते हैं, और कोई एक दूसरे की देखा देखी प्रवाह में कि चलो आज पड़ोसी गए तो हम भी चले जाए। तो पहली भक्ति क्या कह गई, पुष्टता की,
दूसरी मर्यादा की, वो तीसरी प्रवाह की। और पुष्टता की भक्ति किसको कहा जाता है? जो व्यक्ति अपने आत्म कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के भाव से अपने मन में दृढ़ संकल्प द्वारा चर्चा जब निष्ठाबंद होके सुने ने, उसको कहते पुष्टता की भक्ति। और जो कोई धार्मिक मर्यादाओं का पालन एक निभाने मात्र की जो भक्ति है वो मर्यादा की। और एक जो है कि पड़ोसी की देखा देखी, अभी मैंने बताया सगे संबंधी रिश्तेदारों की देखा देखी, थोड़ी देर के लिए विवश मजबूर होके जाना पड़ता है, उसको कहते हैं प्रवाह की भक्ति। तो पुष्ट, मर्यादा और प्रवाह, तो इसमें से हम सब सुंदर साथ अपने अंदर जाके अपने को तोले, इसमें से मैं किस प्रकार की भक्ति, क्या मैं पुष्टता से करती हूं या कई बार मर्यादा निभाते हुए धर्म का पालन करना पड़ता है तो क्या मर्यादा की करती हूं, या कोई बार एक महीने का यहां बीतक था तो चलो आज हम भी जो दूसरे सुंदर साथ जाते हैं उसकी देखा देखी एक दिन जाए और हम अपना कोल निभाए। तो ऐसे आने वाले सुंदर साथ को क्या कहा गया? प्रवाह। और आगे तीन प्रकार के धामधनी ने भेद बताए, तो ये तीनों प्रकार के स्वभाव भी है। तो पहले नव, पुष्ट, प्रवाह और मर्यादा, उसमें तीन भाव भरे मिले तो उसी से नौ तेरी 27। और इसमें तीन भाव वाले श्रोता भी है, कैसे? श्रवण, मनन और निधिध्यासन। तो 87 प्रकार के भाव में कहां पहुंचते हैं? सत, रज और तम मिलाकर, सत, रज और तम मिलाकर 81 पक्ष होते हैं। और आगे 82 वल्लभाचार्य अखंड बेहद का, 83 पंचवासनाओं का, और उसके साथ जब हम 25 जोड़ेंगे परम धाम के पक्ष, धाम तलाव कुंज वन जो है, मानिक नहरे वन की जो है, पश्चिम चौगान बड़ो वन कहिए, श्री पुखराज जी जमुना जी लइए, आठो सागर आठ जिमी के, ये 25 पक्ष श्री धाम धनी के। नूर नीर क्षीर दधि सागर, द्रुत मधु एक ठोर, रस सर्व रस सागर, बिना मोमी न पावे कोयर। तो ये 25 पक्ष मिलाकर 108 पक्ष हो गए। तो यहाँ धाम धनी ने 108 पक्ष की महिमा क्या है तो यहाँ बताया कि अनंत महिमा है। और वहां की शोभा, परम धाम की शोभा, लीला और आनंद का तो कोई पारावार ही नहीं है। और यहाँ धामधनी आगे 7 घाट का वर्णन करने जा रहे। कितने घाट का? 7 घाट का। और मैंने कई बार आपको बता दिया और आज भी चौपाई के माध्यम से धामधनी हमको बताए कि तामे 7 घाट, हम एक एक चौपाई को बोलते हुए वर्णन करें तब हमारे अंदर ये अखंड सुख अखंड हो जाएंगे। परम धाम के ये लीला रूप सुख अखंड हो जाएंगे। तो पहले बताया कि तामे 7 घाट धाम के और जमुना जी पुल दोय, हमारा जो रंग मोहले मध्य में पहला पक्ष, उसके सामने कितने वन है? 7 वन, केल, लिमोई, अनार, अमरूद, जामू, नारंगी और बट। ठीक है, तो जो वन बने हैं पूर्व में रंग महल के सामने, उसमें रंग महल के सामने 3 वन है, कुल 7 वन है ना, उसमें 3 वन रंग महल के सामने है। और रंग महल की उत्तर की ओर 2 वन है, कहां? जहां ताड़ वन को लगते हुए, और दक्षिण की ओर बट पीपल की चौकी और कुंज निकुंज को लगते हुए 2 वन है। और बीच में रंगमोल के सामने 3 है,
तो उत्तर की ओर केल निम्बोई छोड़ दो तो अनार, और दक्षिण की ओर बट नारंगी छोड़ दो तो जांबू। तो जांबू, अमरूद और अनार, ये तीन वन रंग महल के सामने आए हैं। और जो वन है ने वैसी वाली शोभा जमुना जी की पाल जो आई है, उससे पहले वन की रोस, पुखरा जी रोस, और जो पाल की शोभा आई है, तो पाल पर मान लो कि केल का वन है तो केल के ही वृक्ष पाल पर लगे, उसको कहा गया घाट। ध्यान से सुनिए, समय नहीं है तो भी मैं वर्णन, मैंने सोचा कि चलो थोड़ा कुछ ले ले। तो जैसा वन है वैसे वाले वृक्ष की शोभा 11 वृक्ष की पांच कतारें, कितने 11 वृक्ष की पांच कतारें पाल पर शोभा बनी हुई है। वहां से जब उत्तर की ओर से ये दक्षिण की ओर पूर्व की ओर जब जमुना जी चली, तो पाल पर पहले एक महल एक चबूतरे, एक महल एक चबूतरे, कहाँ तक आए, केल पुल तक। फिर केल पुल के बाद जब वन शुरू हो गए, तो जैसा वन है मान लो केल का, तो पाल पर वहाँ 11 वृक्ष की केल के वनों वृक्ष की पांच कतारें। मान लो अनार का है केल के बाद केल लिम्बोई का है, तो वहाँ घाट पर लिम्बोई के वृक्ष लगे। ऐसे सातों वनों की शोभा क्या बताया यहाँ, के दामे सात घाट धाम के, और जमुना जी पुल दो बीच में जमुना जी बह रही है। उत्तर की ओर केल पुल पांच बोमर छठी आकाशी, दक्षिण की ओर बट पुल पांच बोमर छठी आकाशी, दसो बोम मोहल राजत देखो साथ तुम सोए। धामधनी ने क्या बताया, हमारा उसी के सामने नौ भोम दसवीं आकाशी वाला रंग महल कैसा सुशोभित हो रहा है। ये सुंदर साजी तुम आत्मिक चक्षु से देखिए। और दूसरी चौपाई, और महल 24 सांस को बड़ी नहरे और जोय, और तालाब मानिक चार आर हवेली सोय। होज को सर किस दिशा में आया है, मैंने एक दिन बताया था एक दो बार, रंग महल की दक्षिण दिशा में आया है। और होज कोसर की दक्षिण दिशा में 24 सांस के महल की शोभा आई है। और 24 सांस के महल के जो ऊपर गुर्जों में ऊपर कुंड बने हैं, कुंड से फिरती 24 चादरें नीचे कुंड में गिर रही है, तो ये शोभा कहाँ आई है, तो ये होज कोसर के दक्षिण दिशा में 24 सांस के महल, और इस महल की दक्षिण दिशा में बड़ी नहर, इसकी दक्षिण दिशा फिर क्या पड़ेगी, जवेरों की नहर की ओर। तो जवेरों की नहर के महल कैसे बने, जवेरों के नंगों से बने हुए, चार बोम के, आठ बोम के, 16 बोम के, 32 बोम के और 64 बोम के, फिर नीचे उतरते क्रम में, फिर 64 के बाद 32, 16, 8 और 4, तो ये नौ हिस्से में 10 नहरों के साथ ये जवेरों की नहर सुशोभित हो रही है। आगे की नहर क्या बताई, ये जवेरों की नहर, और उसी के आगे यमुना जी, जो यमुना जी कहां से निकली थी मैंने बताया था, रंगमहल के उत्तर के दिशा, रंगमहल की उत्तर दिशा पुखराज में से खजाने के ताल से निकली, वहां से आई बंगला जी, बंगला जी से अधिबीज कुंड में, अधिबीज कुंड से ढपो चबूतरा, ढपो चबूतरे से मूल कुंड, मूल कुंड से ढपी चली, फिर खुली हुई, फिर वहां से ईशान कोने से मरोर खाके पूर्व में चली 9 लाख कोस तक, 4.5 लाख कोस उत्तर की ओर, 4.5 लाख कोस दक्षिण की ओर, और पूर्व में 9 लाख कोस चली, तो सब मिलाकर 18 लाख कोस चलती हुई फिर दक्षिण की ओर मोड़ के होज कोसर में जो चार घाट बने हैं, होज कोसर में चार घाट, पूर्व में 16 देहुरी का घाट, पश्चिम में जुंड का घाट, उत्तर में नवदेहुरी का घाट, दक्षिण में 13 देहुरी के घाट, तो पूर्व में 16 देहुरी के घाट से नीचे होती हुई जमुना जी होज कोसर में मिल गई। यहां धामधनी ने क्या बताया,
कि ओज कुसर में पूर्व में जाकर मिल गई और 24 सांस के महल के उत्तर की ओर क्या पड़ता है, ये ओज कुसर तालाब आता है और उसे आगे वन की नहर, माणिक पहाड़। जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर आगे बढ़ते जाएंगे तो वन की नहर, माणिक पहाड़ और दक्षिण दिशा में जो आता है, और इसी के आगे माणिक पहाड़ के आगे क्या आता है, 24 सांस के महल माणिक पहाड़ की दक्षिण दिशा में। कहां, माणिक पहाड़ की दक्षिण दिशा में 24 सांस का महल, 24 सांसों में जो महल बना है। मैंने अभी बताया कि फिरते 24 गुर्जों में फवारे के साथ ये पानी नीचे के कुंडों में गिरता है और उसी के आगे चार हार छोटी रांग की हवेली आई है, उसी के आगे बड़ी रांग, ये छोटी रांग की हवेलियों को घेर कर बड़ी रांग आई है। और आगे बताया कि आठों सागर और पहाड़ पुखराज जमुना जी यहाँ प्रगटी, ये बेवरा करते श्री राज। फिर राज जी ने क्या बताया कि परम धाम कि आठों दिशाएं, चार दिशा और चार कोने, तो वहां क्या शोभा बनी है, आठों सागरों की, नूर, नीर, क्षीर, दधि, द्रुत, मधु, रस और सर्वरस, ये आठों सागरों की चार दिशा और चार कोने में शोभा बनी है। और जमुना जी रंगमोल के उत्तर दिशा में पुखराज बाहर से प्रकट होकर पूर्व में आके फिर ओज को सर में मिल जाती है। तो यहाँ धाम धनी ये पूरी शोभा का वर्णन कर रहे हैं और सुंदर साथ सुनते हैं। फिर आगे जो मैंने अभी बताया था, आधी ढपी आधी खुली और दक्षिण दिशा में मोड़कर वो ओज को सर में मिल जाती है। तो धाम धनी के मुखार बिंद से इस प्रकार की चर्चा तो नित्य रोज प्रतिदिन हुआ करती है। परम धाम की ईश्वर लीला अद्वैत भूमिका जहां एक एक कण में सत चिद और आनंद की लीला होती है, उसको क्या कहते हैं। मान लो ये द्वैत है, ये द्वैत है, यहां दो भाव है, जीव और माया का, प्रकृति की जो यहां लीला हो रही है, मैं और तुम, दो भाव की। ऊपर अद्वैत योग माया ब्रह्मांड में वहां एक अद्वैत ब्रह्म, अखंड ब्रह्म अपनी योग माया शक्ति के साथ लीला करते, उसको अद्वैत भूमिका। और परमधाम कैसा है, स्वलीला अद्वैत, वहां एक एक कण में सत चिद और आनंद की लीला होती है। तो यहां स्वलीला अद्वैत कहा गया। और आगे धामधनी श्री राज जी और श्यामा जी जो दोनों युगल स्वरूप है, और परमधाम में कौन कौन है, राजी श्यामा जी और सखिया, वहां तो कोई दूसरा है ही नहीं। ये एक एक शोभा में बंगला जी दरबार में श्री जी बैठे वर्णन करते परमधाम का। सुनने वाले परमधाम के ब्रह्म मुनि परमहंस सुंदर साथ बंगला जी दरबार में श्री जी के साथ नेत्र से नेत्र मिलाकर रात्रि को 9 बजे से ये प्रहर शुरू हुआ है। और श्री जी की ऐसी प्रेम भरी रसमय चर्चा का प्रवाह अविरत चालू है और सुनने वाले परमधाम के मोमिन है। और आगे धामधनी ने क्या बताया, पांचों स्वरूप की बार बार बात दोहराई और अक्षर ब्रह्म की इच्छा से ये करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं और मिटते हैं। और आगे धामधनी ने क्या बताया कि तब राज के दिल में उपजिया, देखो ऐसा करबद का बार बार धनी वर्णन कर रहे हैं। कल भी हमने सुना, 2 दिन पहले भी सुना था, और यहां भी राजी ने बताया कि राज्य के दिल में क्या इच्छा हुई, तब हक के दिल में उपजिया, मैं देखा वो अपना इश्क और देखा वो साहेबी, रूहे जानत नहीं मुतलक, कि चलो सखियों को मेरी साहेबी और मेरे प्रेम की पहचान ही नहीं है, सुख में तो सुख दायम पर स्वाद न आवत ऊपर, तो चलो मैं अपनी साहेबी क्या प्रेम मेरे चरणों में बैठा कर
उसको ये खेल दिखाओ। और अक्षर ब्रह्म के दिल में क्या उपजाया, पहले ली हक के दिल में, ता पीछे आए माहे नूर, पीछे किसके दिल में आई ये बात, पहले राज जी ने दिल में ली, बाद में अक्षर ब्रह्म के दिल में आई और पूरे परम धाम में ये प्रसर गई, सब सखियों के दिल में ये बात आई। तो सखियों के दिल में अक्षर और सयन को आदि अनादि फल कहियो सोय। सखियों को क्या देखने की इच्छा हुई, ये अक्षर ब्रह्म पल में नैन के पावे, पल में इशारत कई कोट ब्रह्मांड उपजत खपत, ये पल में कई ब्रह्मांड बनाते और मिटाते, ये देखने की इच्छा किसको पैदा हुई, हम सबको, किसको, हम सब सखियों को और अक्षर ब्रह्म को। अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इसक बरतत, सुशुद्ध अक्षर को नहीं जो किनविद केल करत, इश्क और आनंद की क्या लीला हो रही है। तब राजी ने हमारा विवाद प्रेम का रबद सिर मेर पहाड़ जितना ऊंचा, मतलब तीन बेर मना करी तो भी हम माने नय, और बार बार ये बात जब प्रेम का विवाद चालू रहा तो राजी ने अक्षर ब्रह्म को आज्ञा कर दी कि जाओ तू मेरी सखियों को ये माया का खेल दिखाओ और यहाँ वहाँ जाके मेरी पहचान होगी कि मेरा प्रेम क्या है, मेरी साहेबी क्या है। और जब इतनी बहस के बाद सखिया राजी के पास आके जोर देकर कहने लगी कि धनी हमको तो माया का खेल देखने की इतनी इच्छा हो रही है, बस आज तो हमको पाठ के घाट जाना था, लेकिन पाठ के घाट नहीं जाना है, आज तो माया के घाट जाना है, बस वही खेल हमको दिखाओ। तो यहाँ अक्षर ब्रह्म को आदेश सुबह सबसे पहले हम ब्रज में आए, ब्रज में मनोरथ ना पूर्ण हुए, बाद रास में आए, रास में से मूल तन पर आत्म में जगे, फिर वहां जाके वही रबद लेके बैठ गई, फिर तीसरा जागनी का ब्रह्मांड बना, उसमें मोहम्मद साहब आए और उसी के बाद कुरान के अंदर हमारी साक्षियां भी लिखवाई और तीन सूरत बसरी मलकी और हक्की आई, ये भी धामधनी ने यहाँ साक्षियां दिलवाई और आगे सात निशान भी बता रहे, नहीं हाँ पांचों चीजें उतरी सो तुम्हारी खातिर, हे सुंदर साची ये पांचों शक्तियां भी मैंने तुम्हारे लिए महामती के धाम दिल में उतारी है। और जबराई जोश धनी का ये क्या करता है, ब्रह्मात्मा ये तुम्हारे दिल को पवित्र रखता है, साफ रखता है, तुम्हारे दिल के अंदर ये वकीलात एक वकील की तरह वकीलात करता है। और अश्राफिल जागृत बुद्धि क्या करती है, ये तारतम वाणी के अवतरण जो हुआ ने जागृत बुद्धि का ज्ञान, परम धाम का ज्ञान ये पूरे संसार में ये फैलाने का काम करेगी। और आगे रूह अल्लाह आए तुम पर तिन पहने जामे दोय, रूह तुमको खेल में से ढूंढ काढ़े सोय। और श्यामा जी आई चौथे दिन में, कौन आए, श्यामा जी आई तो दो जामे पहने, रूहल्ला दो जामे पहर सी दूसरे पर मुर्दार, सोई इमाम मेंदी जाकी बुजर की बेसु मार। क्या बताया, रूहल्ला आवसी दो जामे पहर सी दूसरे पर मुर्दार, पहले जामे में क्या हुआ, सिर्फ तारतम की चावी आई, कुंजी आई, ब्रज रास और धाम की तो चर्चा हुई, लेकिन जागनी की बात ये वाणी जो उतरनी थी ये पांचवें दिन में महामती के धाम दिल से उतरी, दूसरे पर मुर्दार सोई इमाम मेंदी। तो पांचवें दिन के जो स्वरूप आया उसको क्या कहा गया, इमाम मेंदी, आखरुल जब साहिब उज्जमा इमाम मेहंदी कहा गया, निष्कलंक बुद्ध स्वरूप कहा गया, ताकि बुजुर की बेसुमार उसकी महानता उसकी शोभा इस ब्रह्मांड में एक अक्षरातीत के रूप में जानी जाएगी, पूरा संसार उसको निष्कलंक बुद्ध स्वरूप में पहचानेंगे।
और परम धाम की ये तारतम वाणी आई तो ये वाणी हमारी सिफत तो गा रही है। और यहाँ सातों स्वरूप श्याम के वर्णन कर श्रीराज, सात को सुख उपजावी पूरे मनोरथ काज। आगे धाम धनी सात स्वरूप का, कौन से सात स्वरूप ये आगे हमने सुंदर साथ जी सुन लिया है, कौन कौन से? तो सागर ग्रंथ के चौथे सागर दधि सागर के तीन श्रृंगार राज्य के और चार श्रृंगार श्रृंगार ग्रंथ के। तो ये सातों श्रृंगारी सातों स्वरूप श्याम के, कहने का भाव ये सातों स्वरूप राज्य की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। और आगे वर्णन करते धाम को प्रदक्षिणा पुखराज ए निस्केल करते संसया श्रीराज। श्री जी परम धाम की शोभा का, किसकी? पुखराज पहाड़ की परिक्रमा का जब वर्णन करते हैं तो पुखराज के पश्चिम और उत्तर में, यहां इस चौपाई के माध्यम से पश्चिम और उत्तर में दो घाटियां आई है और उसी के ऊपर भी फिर 1000 भोम पुखराज जाता है। तो पुखराज पहाड़ 2 भोम ऊंचा है और किस रंग का है? 1 पीले रंग का, जैसे ओज कोसर 1 सफेद रंग का, वैसे तो अनेक रंग है लेकिन लीला के रूप में बताया यहां। और आसपास में क्या क्या शोभा बताई कि पश्चिम और उत्तर में घाटिया, दक्षिण में महावन के वृक्षों की शोभा और पूर्व में बंगला जी में से यमुना जी प्रकट होके आगे अलग अलग स्थानों पर बहती हुई फिर ओज को सर में मिल जाती है। सातों घाट पधारते श्री ठकुरानी जी संग, खेले सब सयंसो श्री धाम धनी अर्धंग। धाम धनी अपनी अर्धांगिनी श्यामा जी और हम सब ब्रह्मात्माओं के साथ यमुना जी के सातों घाट, अभी मैंने पूर्व वर्णन कर दिया, वहां लेके जब सब सखियों को जाते हैं वहां कैसी प्रेम विलास की लीला होती है। और दोनों पुल पधारत कुंजवन मंदिर, दोनों पुल क्या क्या बार बार ये वर्णन हुए, केल पुल और बट पुल, बीच में जमुना जी और कुंज निकुंजवन किधर की ओर आया? रंग महल की दक्षिण दिशा में, पश्चिम चौगान की पूर्व की ओर से लेकर अक्षरधाम की पूर्व दिशा तक चले गए हैं ये कुंज निकुंज। और हम जीर्ण में भी बोलते हैं ना, जीर्णा में भी कुंजवन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए, जाको छुई लेते हैं ताके हाथ बिकाय, मारा वाला जी चलो जमुना जल जी लिए। इस सेवा पूजा की है तो यहाँ कुंज निकुंज के मंदिरों में भी आते हैं। और यमुना जी, फिर यमुना जी का बार बार बताया कि वहां से मरोड़ खा के 16 देहुरी के कार से नीचे होके यमुना जी होज कोसर में मिल जाती है। और होज कोसर फिर धामधनी दिखा रहे कि सुंदर साजी होज कोसर की तो शोभा देखो, चारों दिशाओं में चारों घाट। और मैंने एक दिन आपको वर्णन कर भी दिया था और बीच में टापू महल 3 भूम चौथी आकाशी और 64 पंखुड़ी के कमल के समान जो शोभा है। ताल बीच तापू बनियो, ताल बीच तापू बनियो, महल बनियो तीन प महल बनियो तीन प तीन गुरुदवा ए जल तीन गुरुद वाय जल खूबी हो ज कहूँ क्यों कर खूबी हो ज कहूँ क्यों कर। धामधनी चौपाई के माध्यम से क्या बताया
कि जो ताल बना बीच में टापू माहौल बना है और खूबी होज सागर की जो शोभा बनी है, ये कैसे वर्णन किया जाए जूठी जुबान से। और आगे होज कोसर की पाल पर घेर कर बड़े वन के वृक्ष आए, पहले इसे में घाट, दूसरे में देहलान, तीसरे में देहुरिया और चौथी इसे में भी देहुरिया। तो यहां बोड़े वन के वृक्षों की शोभा आई है और वहां से माणिक पहाड़ भी सुंदर शोभायमान हो रहा है। और माणिक पहाड़ के अंदर हम कैसी प्रेममय लीला करते हैं और माणिक पहाड़ की अवलोकिक शोभा सुंदर साथ जी, जब धाम धनी सब संयों को बंगला जी दरबार में तरह तरह की शोभा का जब वर्णन करते हैं, कैसे कि माणिक पहाड़ एक बहुत ऊंचे चबूतरे पर शोभा आई है, उसमें अंदर जाओ तो पहले रोंस, अंदर जाओ तो फिर 6,000 चौरस, 6,000 गोल, ऐसे 12,000 हवेलियों की हार, अंदर माणिक महल और तीसरे हिस्से में, तीन हिस्से में माणिक पहाड़ की शोभा है। तीसरे हिस्से में जो थंब लगे हैं एक बहुत ऊंचे चबूतरे पर, और उसकी जो जंजीर है, साकल है, कहाँ से आई? 11,980 होम। ऊपर से जो ये साकले लगी है और नीचे चबूतरे तक ये जो थंबों की शोभा भी कितनी सुंदर आई है, सुंदर साची। और वहां ऊपर से जो बारीक बारीक पानी की बूंदे नीचे चबूतरे पर गिरती है, और आगे माणिक महल और चबूतरे के बीच में जो झूले की शोभा आई है, और बीच में नीचे बगीचे की शोभा आई है, और आगे हवेलियों की शोभा, और 12,000 भोम ऊंचे, और एक एक हवेली में 12,000 मोहले, एक एक महल में 12,000 मंदिर, एक एक मंदिर में 12,000 कोठरिया की कितनी सुंदर शोभा आई है। हे सुंदर साजी, तुम इन माणिक पहाड़ की शोभा को देखिए। होज कोसर और माणिक पहाड़ के बीच में 24 सांस का महल आया है, उसके भी अवलौकिक शोभा को हे सुंदर साची आप अपने दिल में धारण कीजिए। और आगे माणिक पहाड़ की शोभा का धामधनी बहुत विस्तृत हिंडोले का ये अलग अलग शोभा का वर्णन कर रहे हैं। और माणिक पहाड़ की दक्षिण दिशा में क्या आया है? घेर कर महानद आई है, और जिसकी शोभा का जब धाम धनी वर्णन करते हैं तो सखिया माणिक पहाड़ की वर्णन के अंदर ये सुनने में इतनी डूब जाती है। और जब धाम धनी क्या बताते कि सुंदर साची ये जो जल बह रहा है ने, नहरों के रूप में, नदियों के रूप में, महानद के रूप में, ये जल कितना निर्मल पवित्र, दूध से उज्जवल, मिश्री से करोड़ों गुना मीठा और सुगंधि से भरपूर है, क्योंकि परमधाम की 5 विशेषता है, क्या क्या? बोल, बोई, नरम, रोशन और एक अखंड, तो सब चीज है। बोल सब चेतन है, सब बोलते हैं, बोई सुगंध, सब चीजों के अंदर वहां सुगंध आती है। यहाँ कैसा है? फूल होता तो सुगंध आती, या कोई इत्र होता तो उसी के अंदर सुगंध आती, या कोई ऐसे सुगंधी पदार्थ होते तब आती, कोई हर चीजों में यहां सुगंध नहीं है। वहां 5 गुण है सब चीजों में, क्या क्या? बोल, बोई, नरम और रोशन, सब चीज चेतन है, सबके अंदर सुगंध आ रही है और सब चीज कोमल मुलायम है। बोल, बोई, नरम, रोशन, और सबके अंदर से रोशनी प्रकाश निकल रहा है। और 5वीं विशेषता कि सब चीजें अखंड है, वहां नाश नहीं होता, जो अनादि काल से है वो चीजें अभी भी है और अनादि काल भी वही स्थिति में रहेगी, उसमें कोई विकृति के परिवर्तन नहीं आता है। और इसी के आगे जवेरों की नहरें जो घेर कर क्या आया है? वन की नहर आई है।
बड़ोवन, मधुवन और महावन और धामधनी, ये वन की नहर का वर्णन करते क्या के सुंदर साथ जी, वहां में कितने प्रकार की कीड़ाए रामत करते थे, वन की नहरों की शोभा तो तुम देखिए कितनी अनुपम है, अवलोकिक है, बंगला जी दरबार में वर्णन करे। और आगे वन की नहरों के आगे चारों तरफ घेर कर देखो सातों परिक्रमा का वर्णन कर रहे हैं। उसके आगे क्या बताया, चारों ओर घेर कर छोटी रांग चार हार हवेली आई हुई है और चार हार हवेली को घेर कर आए हुए महलों की सुंदरता अनुपम है, जिसका वर्णन इसी यहाँ से नहीं हो पाता। और छोटी रांग चार हार हवेली को घेर कर बड़ी रांग आई है, उसमें आठ सागर आठ जिमी, तो एक जिमी एक महल हवेली, एक जिमी एक हवेली, फिर एक सागर फिर एक हवेली, फिर एक जिमी एक हवेली, तो आठ सागर आठ जिमी और सोलह हवेलियां, कितनी, आठ सागर आठ जिमी और सोलह हवेलियां, जो बड़ी रांग में इतनी सुंदर शोभा आई है। और उसमें बीच में 12,000 टापू महल की 12,000 पंक्तियां कतार आई है और 12,000 भोम ऊंचे आए हैं, तो ये शोभा को सुंदर सा जी तुम देखिए, क्योंकि उस टापू महल में लीला करने वाले हम ही तो थे, जड़ जड़ प्राणियों पर सवार होके हम कैसे टापू महल में कई बार ऊपर से सुखपाल तख्तरवा में, कई बार पक्षियों पर सवार होके, कई बार हम ऐसे तैरते तैरते भी हम टापू महल में जाते थे। तो हे सुंदर सा जी तुम इस शोभा को देखिए। और आगे बानी कहीं भात की कहीं समझावत सब साथ, साथ सब कोई धाम में पकड़ बैठाया हाथ, धाम धनी अक्षरातीत ब्राह्मणा जी सुंदर साथ को ये परम धाम का सात परिक्रमा का वर्णन करवाया। मैं पूर्ण वर्णन एक साथ आपको बताती हूँ, बाद में हम चौपाई दोहराए ठीक है। कैसे, मध्य में हमारा रंग महल पहला पक्ष और उसी को लगते हुए पूर्व में चांदनी चौक, हम अग्नि कोने की ओर मोड़ेंगे तो बट पीपल की चौकी, पश्चिम की ओर नीचे नूरबाग ऊपर फुलबाग, उत्तर की ओर लाल चबूतरा ताड़वन और खड़ोकली, ये पहली परिक्रमा। दूसरी पूर्व में सात वन केल और बट पुल, बीच में पाट के घाट, सामे भी सातवन अक्षरधाम और दक्षिण दिशा में कुंज निकुंज वन, होज कोसर तालाब और 24 सांस के महल, और पश्चिम की ओर मोड़े तो पश्चिम की चौगान अनवन दुब दुलीचा, और उत्तर की ओर बुखराज पहाड़ उसको घेरे हुए बड़ोवन मधुवन महावन के वृक्ष, ये दूसरी परिक्रमा। तीसरी में जवेरों की नहर, चौथी परिक्रमा में दक्षिण दिशा की ओर माणिक पहाड़, फरती गिरद में बड़ोवन मधुवन और महावन के वृक्ष, और पांचवी परिक्रमा में वन की नहर बड़ोवन मधुवन और महावन के वृक्ष, और छठी परिक्रमा में छोटी रांग चार आर हवेली, और सातवीं परिक्रमा आठों सागर आठ जिमी और सोलह हवेलिया और टापू महल की हमने शोभा देखी। और आगे इस लीला का मैं कितना वर्णन करूं, धामधनी ने क्या बताया, ये लीला केती कहूं रात होत पहर दोय, कोई समय तीन जाते चर्चा कही समझाए सोय, इस लीला का महामती क्या कह, कितना वर्णन करूं, चर्चा होते रात्रि के दो पहर बीत गए, 6 से 9 और 9 से 12 बज गए, और कभी कभी तो रात्रि के 3 भी बज जाते, बेर पर अबेर 12 बजे जब दूसरा रात्रि का पहर पूरा होता है उसके बाद और 1.5 घंटे तो 1.5 बज जाते हैं, चर्चा करते करते। और धाम धनी बस परम धाम की आत्माओं को अपना दिल का अनंत प्रेम अनंत आनंद और चर्चा द्वारा इतना रस उडेलते हैं,
और सुनने वाली मोमिन है, उसकी आंखों में कोई नींद ही नहीं है। कैसे नींद आती? हमारे घर के परमधाम के सुख का वर्णन हो रहा है। और आगे सिराज पोढ़े पलंग पर गादी तकिए उठाए ये बिहारी दास संग नाथा रहे और साथी शामिल सेवा के। चर्चा समाप्त होने के पश्चात श्री जी अभी पोढ़े नहीं है, अभी बताया इस चौपाई में पलंग पर जब लेटते हैं, आगे बताएंगे उसका स्पष्टीकरण आगे होगा। जब चर्चा समाप्त होने के बाद, अभी हुई नहीं है, आगे बताएंगे कल। चर्चा समाप्त होने के बाद श्री जी जब पलंग पर लेटते हैं, जिस तख्त पर बैठकर वो चर्चा कर रहे होते हैं, उसी तख्त से गादी और तकिया उठा लिया जाता है। जब श्री जी तख्त से सिंहासन पर से उठे तो वहां से गादी और तकिया सीधे ही सुंदर साथ उठा लेते, क्योंकि दिल में भाव देते हैं कि कोई और उस पर ना बैठ जाए। उसी जी पलंग पर लेटते हैं, इसी समय बिहारी दास नाथा जोशी और अन्य सुंदर साथ सेवा के लिए आ जाते। महामती कहे सयनो ए छठे पहर की बीतक, अब कहो पहर सातमा जैसी सोबत हक। यहाँ महामती जी क्या कहती है कि हे सुंदर साची, मैंने तुमने छठे पहर की बीतक के घटनाक्रम में पूरे परम धाम के सात परिक्रमा और 25 पक्ष का वर्णन सुनाया, अब सात में प्रहर में श्री जी सुंदर सात के साथ कैसी लीला होती है ये हम कल वर्णन सुनेंगे। तो इतना कहकर या वाणी को विराम देंगे। बोले श्री प्राणनाथ। चौपाई दोहराए सुंदर साथ जी, महामती कहे ये सयनो ये छठे पहर की बीतक, अब कहु पहर सातमा जैसी सोबत हक, जैसी सोबत हक। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की।